मेरे दोस्त रिश्तेदारी भी है, बचपन हमने इकट्ठे गुजारा और बड़ी खुशी हुई कि ये दुबई जिस होटल में काम करते हैं उसकी तरफ से स्क्वाश के प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पे यूरोप के दिगर ममालिक में और यूके में खेलने के लिए आए। आज़ाद कश्मीर के ये पहले प्लेयर हैं जो यहाँ तक पहुँचे। मैं चाह रहा था कि इनके साथ दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँ और ये भी आपको बताऊँ कि ये कौन है और कहाँ से हैं। बेसिकली पहले कश्मीरी हैं, ताहिर नकाश इनका नाम है, आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली खुरेटा गांव सहरी चत्तर से इनका ताल्लुक है। तो मैं इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था कि एक आज़ाद कश्मीर का बंदा एक देहात से उठ के इंटरनेशनल तौर के ऊपर स्क्वाश खेलने के लिए यहाँ पे आए, ये कैसे मुमकिन हुआ मैं आपको इनसे मनवाता हूँ। ताहिर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं यूके में। ये बताइए, एक आम आदमी का, एक देहाती आदमी का दुबई की तरफ से ऑफिशियली स्क्वाश खेलना कितने बड़े एजाज़ की बात है? ख्वाब था, कोई मेहनत थी, या कैसे ये हो गया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच कर मैं अपने एरिए को, अपनी कंट्री को, अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करूँ, और मुझे दुबई ने ये बहुत अच्छा चांस दिया। और मैं थैंकफुल टू यूएई जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, और मेरा होटल दूषित डी टू कैंस होटल जो मेरी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं खेलने के लिए। तो उस बेस पे जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला यूएई की तरफ से, तो मुझे बड़ी ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, एज़ कश्मीरी होने से, आज़ाद कश्मीर का हूँ। वहाँ पर आप ख़ुद भी जानते होंगे कि सपोर्ट इतना वहाँ पर नहीं है जो मैं, जो न्यू जनरेशन है, जो अभी करंटली जो यंग लड़के हैं उनको है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन फ्यूचर। आप ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं कि अगर आप जैसा लड़का यहाँ तक पहुँच सकता है तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ कोशिश करेंगे कि कश्मीर से बाकी जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको सामने लाया जाए? जी जी, ज़रूर। मैं ये आपको बताना चाहूँ कि कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और बहुत लड़के हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो फ्यूचर में जाके कश्मीर का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और करेंगे। अगर पेशावर वाले कर सकते हैं तो हम कश्मीर वाले भी कर सकते हैं, अगर कराची वाले कर सकते हैं तो पेशावर अपना कश्मीर वाले कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए क्लब्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट है अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी से, या यूके में जो भी हैं जो कश्मीरी हैं स्पेशली, कि उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको चाहिए कि वो क्लब्स बनाएं कश्मीर के अंदर, एक स्पोर्ट होना चाहिए। अब ये यूके को आप देख लें कि इनके हर एरिया में स्पोर्ट्स सेंटर बने हुए हैं, हर चीज़ है, स्क्वाश क्लब हैं क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, तो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। आपने यूके की बात की, काफ़ी यूरोप की कंट्रीज़ भी घूमे, मिडिल ईस्ट में आप काफ़ी अरसे से हैं, कौन सी चीज़ें वो कामन हैं जो आप सोचते थे और वही यहाँ पर पाया? ये यूके कैसे मुनफरिद है बाकी दुनिया से? देखें, यूके इसलिए मुनफरिद है कि स्पेशली दुबई और यूके में इतना बड़ा डिफरेंस मैंने नहीं देखा, खाली वेदर का है वेदर, क्योंकि यूए का वेदर हॉट है और यहाँ पे मीन्स के वेदर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, और यहाँ पे स्पेशली है कि ग्रीनरी है, यहाँ पे ट्रीज़ लगे हुए हैं, दुबई में वो चीज़ नहीं है। और इंशाल्लाह वो फ्यूचर में शेख मोहम्मद हिजाइनस ही इज़ डूइंग, इंशाल्लाह ही विल डू हिज बेस्ट। सो और कश्मीर और अगर देखा जाए यूके में तो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, माउंटेन्स हैं, हर चीज़ है जो यहाँ पे भी कॉमन पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया। ताहिर से मैं बात कर रहा था, तो इनका ये कहना है कि जैसे मैं एक आम सा नौजवान हो के यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है कि अगर बाकी लोग भी स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट हो, स्क्वाश हो या बैडमिंटन, उसमें अगर वो मेहनत करें, उनको राइट प्लेटफॉर्म मिले, तो वो भी अपनी सलाहियतों को बरवेकार ला सकते हैं। और हर चीज़ इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉसिबल है।